जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू बांके बिहारी। मेरा नाम महक है और आज हम सीखेंगे ठाकुर जी की, जो हाल ही में मैंने आपको ड्रेस बताई थी, पिंक पर्ल ड्रेस। ड्रेस कुछ इस तरीके से है, इसके साथ का मैचिंग मुकुट। ये ड्रेस मैंने काफ़ी सिंपल बनाई थी क्योंकि समर्स है, समर्स के हिसाब से सिंपल ड्रेसेस ही ठाकुर जी को प्यारी लगती है, इसलिए मैंने जो इसका मुकुट है वो भी मैंने काफ़ी सिंपल बनाया है। ये देखिए मुकुट कुछ इस तरीके से है। मुझे काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ थोड़ा लाइट मुकुट बताइए, जो कि समर्स में ठाकुर जी के लिए पहनने में आसान हो और बनाने में भी इजी हो। ये मुकुट बनाना बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए सीखते हैं मुकुट किस तरीके से बनाना है। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं हमें किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नेट फैब्रिक चाहिए। ये देखिए ये नेट फैब्रिक ड्रेस के साथ मैचिंग का, साथ ही में लाइनिंग फैब्रिक, ये मैंने मसलिन क्लॉथ लिया था, फेविकॉल, साथ ही में ये पेस्टिंग पर्ल्स लिए हैं मैंने, मैचिंग थ्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बेस की रिक्वायरमेंट होगी। बेस मैंने पहले ही बना करके रेडी कर लिया है और इसे बनाना मैंने अपनी पहले वाली प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। ये देखिए बेस कुछ इस तरीके से है। ये 5 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस है, तो बेस भी मैंने 5 नंबर ठाकुर जी के लिए ही बनाया है। आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं मैंने किस तरीके से आपको बेस बनाना बताया है। मैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बेस को हम डेकोरेट करेंगे। ये देखिए आर्टिफिशियल पर्ल्स, इन पेस्टिंग पर्ल्स को पहले मैं बैग से लाते हुए, ये देखिए बैग से लाते हुए इस तरीके से यहाँ से मैं इसे तोड़ दूंगी। कट भी कर सकते हैं आप, तो ये बहुत ही सॉफ्ट है, ये इजीली हाथ से ही ब्रेक हो जाती है, और इस तरीके से ठीक है। ऐसा ही हम और लगाएंगे पर्ल्स, बैक तक कवर करना है हमें इसे। ये ग्लू जो है ये सफिशिएंट नहीं होती है, मैं इसके साथ फेविकोल जरूर लगाऊंगी। देखिए कुछ इस तरीके से अब हम इसे निकालेंगे और साथ साथ यहाँ पर फेविकोल लगाते जाएंगे। पाथी जो है हमारे अच्छे से पेस्ट हो जाए, क्योंकि इनमें ग्लू जो है वो बहुत ही कम होती है। इससे क्या है ये पक्का हो जाएगा और एकदम ज्यादा ग्लू भी नहीं लगानी है ताकि दिखे नहीं। इसी तरीके से करते हुए मैं पूरा फिल कर लूंगी। ये देखिए ये इस तरीके से ग्लू लग गई है, ठीक है। ऐसे ही एक लाइन हम ऊपर लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप चाहे तो देखिए, जैसे मैंने इस मुकुट में लगाए हैं 1 2 3 लाइन लगा करके नीचे से इसे वी शेप दिया है, अगर आप चाहे तो वी शेप दे सकते हैं और ऊपर एक ही लाइन रख सकते हैं, जैसा कि मैं इस मुकुट में बताने वाली हूँ। देखिए अब हम इसमें वी शेप देते जाएंगे। पहले हम ग्लू लगा लेते हैं, ये एक ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं या फिर
उस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे बना सकते हैं, जो आपके ठाकुर जी को पसंद आए। ठीक है, हम यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, इसे ले जाएंगे यहाँ तक और यहाँ पर इसे मैं ब्रेक कर लूँगी ताकि हमारी वी शेप आ सके इजीली। और यहाँ पर हम पर्ल लगाएंगे दोबारा से इस तरीके से। ठीक है, और थोड़ी सी और पर्ल्स लगाएंगे हम, क्योंकि समर्स है और ठाकुर जी को भी हैवी चीज़ें पसंद नहीं आती होंगी, इसीलिए मैंने ये हल्का बुकुट बनाया है। ड्रेस भी काफ़ी ही हल्की है इसकी, थोड़ा सा ऊपर भी लगा देंगे हम, ये पहनाने में भी इजी है और ठाकुर जी को पसंद भी बहुत आएगा और वो प्यारे भी बहुत लगेंगे, क्योंकि कलर जो है वो बेबी पिंक कलर है, उनका फेवरेट कलर होगा, आई होप सो। तो देखिए आप इस तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं या तो इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके लिए। और अब हम इसके लिए कलगी बनाएंगे। कलगी बनाने के लिए हमें पहले फैब्रिक चाहिए होगा। देखिए कलगी बनाने के लिए मैंने ये स्ट्रिप कट की है जिसकी विड्थ 3 इंचेस है और लेंथ जो है वो 9 इंचेस है। अब हम इसकी कलगी बनाएंगे। पहले हमने फैब्रिक चेक करना है कि फ्रंट साइड कौन सा है। ये फ्रंट साइड है, इस पर देखिए सीक्वेंस दिख रहा है कि फ्रंट साइड है, तो इसे हम फ्रंट बैक इसी तरीके से बनाते हुए कलगी बना लेंगे। आप चाहे तो छोटी भी कर सकते हैं या तो इसे बड़ी भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, नीडल में थ्रेड ले लिया है मैंने, इसको से मैं इसे ले जाऊंगी इस तरीके से और ऐसे ही बैक, ताकि ये पक्का हो जाए, खुले नहीं। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक नॉट लगा लूंगी कुछ इस तरीके से। थ्रेड को हम कट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारी कलगी बन गई है। ये कलगी मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है, तो मैं इसे ऊपर से कट कर लूँगी, शेप भी आ जाएगी और ये कट भी हो जाएगी। तो आप पहले से ही 2.5 या 2 इंच की एक स्ट्रिप कट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में इसे इसे ऊपर से कट कर लीजिएगा। अब ठीक लग रही है कलगी, ये देखिए। अब इस कलगी को हम ग्लू गन की हेल्प से मुकुट पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से फ्रंट में जो हमारा वी बन रहा है, नीचे से शेप आ रही है जो मुकुट की, वहीं से इसे इस तरीके से गम लगा करके अटैच करना है। देखिए मैंने यहाँ पर एक और लाइन भी लगाई थी, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर जोड़ लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्लू गन की हेल्प से इसे पेस्ट कर लिया है और ये दिखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है मुकुट हमारा, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्रिटी लग रहा है। ये देखिए, एक आपके पास ये ऑप्शन है, आप ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब हमारे मुकुट जो है वो बन करके रेडी है। आई होप कि आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए ठाकुर जी की प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाने के लिए। और अगर आपने मेरी वीडियोस देख करके ठाकुर जी की कोई भी ड्रेस बनाई हो तो प्लीज़ मेरे साथ उसकी पिक्चर जरूर शेयर करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें ठाकुर जी की प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाने के लिए। तब तक खुश रहिए, ठाकुर जी की प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाते रहिए। जय श्री कृष्ण। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्रेस के साथ। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स।